अगर सीओ ने गलत बयान दिया तो उस पर हम कह रहे हैं इस बात को भाई, अगर सीओ ने गलत बयान दिया तो सीओ साहब को इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। कौन कौन थे, नाम क्यों बता देते हैं वो सुनीता पुलिस वाले आए थे अनुज एक का जितेंद्र सर ये बता रही लंबा एक का अनुज था एक का चोर नए मुर्गियों तो एसपी के यहाँ जाएंगे फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी शिकायत करेंगे और यहाँ मच्छी पकड़वा रहे पुलिस वाले धार्मिक स्थल पर मच्छी पकड़वाना भी इनके लिए बहुत गलत है और इनके भी खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे सभी साधु सर। अब एक मिनट को सुन तो वो बदनाम कौन है तुमने? पुलिस हूँ। हम पुलिस क्या काम है टाइम यहाँ आने का? कौन है तुम? क्या गलती भाई मेरे से? वही हम आ जाऊंगा थाने में, पुलिस वही चौकी में आ जाऊंगा और सुबह आना और उन्हें उनको छोड़ के लिया दो तीन महीने बाद पुलिस क्या काम है पंचायत हुई है, क्या मामला हुआ है? हमारे महाराज राघव जी के यहाँ रविवार के 2:30 बजे की रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाश आए और इनके साथ मार पिटाई की और जो यहाँ इनके पैसे और कुछ कीमती सामान रखा हुआ था वे सब वे चोरी कर कर ले गए। संत समाज के साथ ऐसी घटना होना निंदनीय है। कहीं ना कहीं आज तीसरा दिन है, आज तक भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है कि संत समाज के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस द्वारा इस मामले में केवल मारपीट में मुकदमा दर्ज किया गया है? नहीं, अभी हमने उच्च अधिकारियों से वार्ता की है और उन्हें कहा है जो नए संगत धाराएं है वे इसमें जोड़ी जाएंगी, चाहे चोरी की हो और इनके आश्रम पर हमला हुआ तो 452 भी इसमें जोड़ी जाएगी। संत समाज को एक सट्टा या नशेड़ी कहा गया है यहाँ पे, वो बयान अभी हमने भी देखा है अखबार में, सीओ साहब की तरफ से बयान लगाया है, सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तो हमने कहा उन्हें स्पष्टीकरण दो और ऐसा बयान देने की कोई ज़रूरत किसी पुलिस अधिकारी को भी नहीं है। संत की सरकार है तो संत पर अत्याचार हो रहे हैं? बिल्कुल, घटना हुई इसके लिए हम समापार्थी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी इससे ज़्यादा होगी, जैसा उन्होंने अपराध किया है उससे बड़ी सजा उन्हें मिलने। नाम बताइए। धर्मेंद्र शर्मा, शुक्रताल। क्या मामला है, क्यों पंचायत यहाँ पर? हमारे यहाँ राघव जो महाराज जी हैं ये बेचारे बड़े लंबे समय से अपना आश्रम बना के यहाँ लोगों की सेवा करते रहते हैं, सेवा करते करते रहते हैं। रविवार की रात 2 बजे कुछ बदमाश, अज्ञात बदमाश इनके यहाँ घुसे और इनके साथ मारपीट की, लूटपाट की। इसके बावजूद भी प्रशासन ने इनसे ज़बरदस्ती एक तहरीर लिखवा ली और तहरीर लिखवा ली 323 की, जो एक NCR का मामला बना दिया। हमने ये प्रतिज्ञा उठाई है संत समाज के साथ मिलकर कि अगर इसमें आला अधिकारियों ने संज्ञान न लिया तो हम जनपद मुजफ्फरनगर के SP ऑफिस को जाम कर देंगे। अच्छा, जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर जबरदस्ती तैयारी लिखवाई क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, हम इसमें सब कहेंगे। अभी महाराज जी पे दबाव बनाया जा रहा है कि कुछ आदमी आते हैं जबरदस्ती कहने लगे तुम जो है इनके खिलाफ, एक CO साहब ने जो है अलग से टीका टिप्पणी की है वो बहुत गलत है, निंदनीय है। क्या टिप्पणी की है? उन्होंने टिप्पणी की है कि यहाँ पे सट्टे वाले, नशाखोरी वाले आते हैं। महाराज इस तरह के आदमी नहीं है जो सट्टे वाले और नशा वाले आते हैं, यहाँ सेवक आते हैं, भक्त आते हैं, महाराज का सम्मान है। CO साहब को संज्ञान में लेना पड़ेगा, नहीं तो संत समाज उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेगा।
महाराज जी, क्या एक पंचायत हुई है, क्या मामला था, क्यों पंचायत की गई है? दरअसल क्या है, राघव महाराज जी जो अपने हैं, अपने गुरु जी हैं, हमारा भी आना जाना है, तो दो तीन दिन से मैं बाहर था। कल पेपर के माध्यम से मुझे पता लगा, जब पेपर पढ़ा मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बताया कहना भाई महाराज जी के यहाँ तो सट्टा हो, ये हो, तो यहाँ पता लगा आए थे, बदमाश थे, मार पिटाई कर गए और यहाँ से कुछ पैसे वैसे भी गए। तो मुझे पढ़ कर बड़ा दुख हुआ कि भाई पुलिस प्रशासन से खोलने के बजाय इन्हें और साधु समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा, जो अपना काम है नहीं वो नहीं कर रहे। तो मुझे बड़ा दुख है, तो मैं भी आज इसलिए आया कि मेरा भी आना जाना है। मैं तो अब तक यहाँ कभी कुछ सट्टा वट्टा कुछ ऐसा देखा नहीं, तो मेरी तो विनती यही है कि भाई इन्हें कहा जा, ये अपने बयान वापस ले, मतलब साधु समाज को बदनाम ना करे, ये एक निंदनीय घटना है, और अपना इसमें जिसका भी हो है अपना खोलने का प्रयास करें। बिहारगढ़ में संत के ऊपर हमला हुआ है, उनके साथ लूटपाट की गई है, क्या मामला है पूरा? कि हाँ, इनके महाराज जी के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने आके लूटपाट कर इनकी पिटाई करी, और प्रशासन इसमें कह रहे थे लूट पाट नहीं हुई, यहाँ तो ये नशा वसा करते हैं और सट्टा वट्टा लगाऊँ, उसमें प्रशासन को अपनी गलती माननी पड़ेगी। साधु समाज से बहुत रोष में है, और हम 8 दिन का समय दिया, 8 दिन में अगर ये सारी बात का खुलासा नहीं होता तो हम SP के यहाँ और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इसकी शिकायत दर्ज करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। साइन करने का भी आरोप लगाया गया है कि अपनी जो तहरीर दी है उस पर जबरदस्ती साइन करवाई पुलिस ने, नहीं वो भी गलत है, उसके भी खिलाफ़ हम सब संत खड़े होंगे। और फिर यहाँ धार्मिक स्थल पे हमने 2-3 बार पेपर में भी निकलवा दिया, ये शासन प्रशासन की मदद से मच्छी पकड़ी जा रही है, बहुत गलत है, इसके भी खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। तो क्या ये मछली माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? शासन प्रशासन की मिली भगत से पकड़ी जा रही है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही इन पर। तो इसके लिए संत समाज क्या करेगा? नहीं, संत समाज इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा, इनकी शिकायत करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और DM SP के, इनके यहाँ तो शिकायत कर दी है, कोई गोरी नहीं दे रहा इस बात पे किस तरह की भी।